खबर कल्याण से। गौरतलब है कि गौरी विनायक बिल्डर एवं डेवलपर्स के संचालक संजय गायकवाड़ को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने वाली महिला को कोलेस वाड़ी पुलिस ने 1.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल महिला को कल्याण कोर्ट में हाजिर किया गया है। इसे 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न्यायालय ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2019 में सुषमा जावले नामक महिला ने संजय गायकवाड़ से एक फ्लैट खरीदा था। उसके बाद से ही यह महिला गायकवाड़ के कार्यालय में कई बार आ चुकी थी। इस दौरान उसने संजय गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया और महिला की चालाकी समझते ही गायकवाड़ उससे मिलने से कतराने लगे। अपनी दाल गलती ना देख महिला ने गायकवाड़ को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देते हुए उनसे अब तक लाखों रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, महिला सुषमा ने उनके पास से 2 फ्लैट, कार, करोड़ों रुपए समेत सोने के जेवरात भी वसूलने का आरोप गायकवाड़ ने लगाया है। बताया जा रहा है कि संजय गायकवाड़ ने महिला सुषमा के खिलाफ ब्लैकमेल कर पैसा मांगने की शिकायत भी की। 1 महीने पहले ही गायकवाड़ ने कराया था थाने में रिपोर्ट दर्ज।